हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सीताराम चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट समझेंगे, साथ ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड 2021 में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम सोल्यूशन के साथ में समझेंगे। आपको इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं? तो देखिए, एक त्रिभुज मानिए जिसका जो है समकोण त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये कोण 90 डिग्री है और ये एक थीटा कोण है, ठीक है। इसको नाम देते हैं ABC। इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। जिस पे थीटा बना होता है उसको बोलते हैं आधार। वो समकोण त्रिभुज से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए अब इसके अनुपात देखते हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। अब इन अनुपातों को याद रखने की एक ट्रिक आती है जिसको हम बोलते हैं LA L अपॉन KKA, ठीक है। यहां पर जो L अपॉन K होता है वो होता है साइन थीटा, A अपॉन K होता है वो होता है कोस थीटा, और L अपॉन A होता है वो क्या कहलाता है? टेन थीटा कहलाता है, ठीक है। तो यहां से कोस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा हो गया A अपॉन K हो गया, ठीक है। और टेन थीटा क्या हो गया? टेन थीटा हो गया L अपॉन A। वैसे ही अब देखो, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन तीनों का मान निकालने के लिए अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। जैसे A अपॉन L हो गया, ये क्या है? कोट थीटा है। K अपॉन A हो गया, ये क्या है? सेक थीटा। और K अपॉन L कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये तो था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब इस चैप्टर के कंसेप्ट समझते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, देखिए दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? ऐसे मानिए ये एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये एक कोई वस्तु है। ऐसे मानिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर एक पतंग उड़ रही है, वो हम उस पतंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी आँख की पोजीशन हो गई और ये एक पतंग है, ठीक है। तो हम जब उस पतंग को देखते हैं तो हमारे जो आँख को और उस पतंग को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी हमारे नेत्र को और जो वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं, उन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। यानी हमारे आँख और उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी, ठीक है। और आँख का जो क्षितिज होता है ना, आँख से बिल्कुल सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है? आँख का जो क्षितिज होता है ना वो कहलाती है, ठीक है। तो ये थी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा की जो परिभाषा है वो ये है, ठीक है। आप इस परिभाषा को नोट डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरी परिभाषा जिसका नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण, देखिए इसी चित्र में देखिए, हम यहां से पतंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? आंख की जो दृष्टि रेखा और जो क्षितिज है उसके बीच का जो कोण है ना वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो हमारी आँख से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हमारे आँख का जो क्षितिज है उससे ऊपर होना चाहिए। कंडीशन ये होती है, जो आँख का क्षितिज है और जो दृष्टि रेखा है उसके बीच का कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। कब कहलाता है? जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे आँख से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। आँख का जो क्षितिज है ना उसी से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है।
इसकी परिभाषा ये रही, ठीक है, और इसमें डायग्राम भी है, आप इसको नोट कर सकते हो। तीसरा टॉपिक है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण किसे कहते थे, देखिए हमारी जो आंख का क्षितिज है, ठीक है, परिभाषा तो यही रहेगी, हमारे आंख के क्षितिज और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन यह होनी चाहिए कि जो वस्तु है वो हमारे आंख के क्षितिज के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इस बार कंडीशन क्या है, उन्नयन कोण में जो वस्तु थी वो आंख के क्षितिज के ऊपर की तरफ थी, और अवनमन कोण में जो वस्तु है वो आंख के क्षितिज के नीचे की तरफ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले, हम किसी छत पे खड़े हैं, ठीक है, और नीचे कोई गाड़ी खड़ी है, हम उस गाड़ी को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा आंख के क्षितिज उस गाड़ी के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको अवनमन कोण बोलते हैं। ये वाला कोण है जो अवनमन कोण कहलाता है, और जो ऊपर क्षितिज से ऊपर वाला जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो कोणों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे, और किसी मीनार को देख रहे हो, किसी मीनार की चोटी को देख रहे हो, तो ये जो कोण बनेगा आपकी क्षितिज और उस मीनार की चोटी के बीच में, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उन्नयन कोण, ठीक है, क्योंकि जो दृष्टि रेखा है वो क्या है, आंख के क्षितिज के ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, आप एक मीनार के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से आप एक नीचे एक कार है उस कार को देख रहे हो, तो इस कंडीशन में आपकी आंख का क्षितिज ये हो गया, ठीक है, तो दृष्टि रेखा क्या कहाँ पे हुई, क्षितिज के नीचे की तरफ हुई, तो ये जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण तो वो होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी दृष्टि रेखा के ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और अवनमन कोण वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी दृष्टि रेखा के नीचे की तरफ होता है, तो ये जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये तो था इसका बेसिक नॉलेज जो आपको जानना जरूरी है। अब देखिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो ध्यान होनी चाहिए कि साइन की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, टेन की, कोट की, इन सभी की वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरा, आपको इस चैप्टर में अगर आपको चित्र बनाने आते हैं, डायग्राम बनाना आता है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सबसे मेन है डायग्राम कैसे बनेगा, उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करना, बाकी क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, ये दीवार से दीवार के शिखर तक पहुंच रही है, और ये यहाँ पर 60 डिग्री का एक उन्नयन कोण बना रही है, ठीक है। तो हमारे को इस दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो ऐसी है वो दीवार की ऊंचाई वो हमारे को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें भुजा कौन सी आ रही है, सबसे पहले तो एक भुजा आ रही है AB, जो क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। और दूसरी भुजा कौन सी आ रही है, थीटा के सामने वाले भुजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। तो इसमें टेन थीटा नहीं लगेगा, वैसे इन क्वेश्चनों में अधिकतर में टेन थीटा का फॉर्मूला ही लगता है, बट हमारे को भुजाओं का अनुपात देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी भुजा हमारे को यूज में लेनी है, ठीक है। जिनकी वैल्यू दी हुई है वही भुजा हम यूज में लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, L/K, ठीक है। तो साइन थीटा की कुछ वैल्यू है यहां पे, साइन 60, L क्या है, ऊंचाई है, L क्या है, ऊंचाई, ठीक है, और K क्या है, AB है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 15 मीटर। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू H/15, ठीक है। तो इस 15 को उधर ले जाएंगे तो H इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 15√3/2। ये क्या है, ये उस दीवार की ऊंचाई है, ठीक है। इसमें आप √3 की वैल्यू निकाल के पिक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में चित्र बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो चलिए इस क्वेश्चन का चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, चित्र में क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है एक नदी है, ये एक नदी है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्रिज है, तो हम ब्रिज बनाते हैं। सबसे पहले ब्रिज की कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी, ये एक ऐसा कुछ ब्रिज है, ठीक है, ये इसके इस किनारे के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई है 150 मीटर, और हमारे को इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये जो चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई, ये हमारे को ज्ञात करनी है। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। हमारे को बी सी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो भुजा है वो कर्ण है और ये क्या है? आधार है। तो के अपॉन ए या फिर ए अपॉन के किस में आता है? कोस थीटा में आता है या फिर सेक थीटा में आता है? तो त्रिभुज ए बी सी में कोस थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा? ए अपॉन के आएगा, कोस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 45, तो कोस 45 हो जाएगा। और आधार क्या है? बी सी, जो क्या है? नदी की चौड़ाई है, ठीक है। अपॉन के कर्ण क्या है? 150 मीटर। अब देखिए कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/√2 इक्वल टू बी सी और 150, ठीक है। यहाँ से इस 150 को यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो बी सी इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 150/√2। अब देखिए 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 75 × 2/√2, ठीक है। और इस 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 75 × √2/√2 बटे रूट दो, रूट दो से रूट दो कैंसल, तो 75√2 जो क्या है? बी सी की वैल्यू है। मतलब ये जो नदी है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 75√2 है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि एक मीनार है, उसके आधार बिंदु से दो बिंदु है जो एक ही सीधी रेखा में है, ठीक है, जहां पे ए ग्रेटर देन बी है। हमने ऐसे माना ये एक मीनार है जो है डी सी, और इसके आधार से दो बिंदु ए और बी हैं, जहां पे जो ए डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। ये दोनों उस मीनार के जो शीर्ष है उसके साथ में 30 और 60 डिग्री का क्या कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है एच, वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे याद करेंगे, इस मीनार की ऊंचाई एच को, तो माना जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई वो क्या है? एच है, ठीक है। तो देखिए अब हम अलग अलग त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए ए सी और डी, क्या लेंगे? ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी और डी में देखिए, त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा का लगाएंगे फॉर्मूला, तो टेन तीस इक्वल टू एल, एल तो क्या है? इसकी ऊंचाई एच है, और अपॉन ए, ए क्या है? स्मॉल ए है, ठीक है। तो टेन तीस की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन ए। तो यहाँ से एच निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी? ए अपॉन रूट थ्री, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, इस बार लेंगे छोटा वाला, ये बीच वाला त्रिभुज, ये वाला, इसमें बी सी और डी, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में टेन थीटा लगाएंगे वापस से, त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा, तो टेन साठ इक्वल टू क्या होता है? आधार अपॉन लंब, ठीक है, लंब अपॉन आधार, सॉरी। तो लंब तो क्या है? एच है, और आधार क्या है इसका? स्मॉल वी है, ठीक है। और टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है? रूट तीन होती है, इक्वल टू एच अपॉन बी। तो यहाँ से भी हम एच की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? रूट तीन बी हो जाएगा, ठीक है। ये है समीकरण एक जो हमने पहले निकाली,
और ये है समीकरण दो जो हमने अभी निकाली। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को समीकरण दो से गुणा करने पर, दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। ये इसका की पॉइंट है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू एक दूसरे में रखेंगे तो इसके आंसर नहीं आने वाले। ये की पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है कि इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले एल एच एस को गुणा करेंगे तो एच इंटू एस, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आर एच एस को करेंगे तो आर एच एस में क्या है, ए अपॉन रूट तीन है समीकरण एक से, ये रहा समीकरण दो का आर एच एस है रूट तीन बी, रूट तीन बी, तो रूट तीन से रूट तीन कैंसिल आउट, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी हो गया। तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा, तो रूट ए बी, तो ये आ गए इसके आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि एक पेड़ है जो तेज हवा की वजह से टूट जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा इस तरह था, वो तेज हवा की वजह से बीच में से ऐसे टूट जाता है, ठीक है। और ये इसके आधार से, पेड़ का जो आधार है उससे 10 मीटर दूर जाके टच होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, यूनियन कोण बनाता है। हमारे को इस पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं ए बी और सी। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, एक तो ये होगी एच वन दे देंगे इसको, और दूसरा अगर ये पेड़ सीधा होता तो ये क्या होती, एच टू होती। अगर ये इसको सीधा करेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल सीधा पेड़, ठीक है। तो ये क्या है, एच टू है, तो एच वन प्लस एच टू, इन दोनों की वैल्यू हमारे को निकालनी रहेगी। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा क्या होता है, एल अपॉन ए, यहाँ पे L देखिए क्या है, H1 है, थीटा की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 60, ठीक है, थीटा की वैल्यू है 60, टेन 60 इक्वल टू L क्या है, H1 अपॉन A क्या है, 10 मीटर, ठीक है। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट तीन इक्वल टू एच वन अपॉन टेन, तो एच वन कितनी आएगी, 10√3, सही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊंचाई है वो आ गई है 10√3। तो अब हम निकालेंगे ये वाली ऊंचाई, ये वाली दूरी एच टू, तो उसके लिए त्रिभुज एबीसी में हम क्या लगा देंगे, कोस थीटा लगा देंगे, या फिर आप चाहो तो टेन टेन थीटा भी लगा सकते हो, मैं कोस थीटा लगा रहा हूँ, ठीक है। कोस थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, ए अपॉन क्या आएगा, तो ए तो कितना है 10 मीटर, आधा तो बीसी है 10 मीटर, और के क्या है, एच टू है, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है, इक्वल टू 10 अपॉन एच टू, तो H2 है वो कितने आ गए, 20 आ गए, ठीक है। अब देखिए H2 तो 20 आ गया और H1 10 आ गया, तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो रूट तीन है उसकी वैल्यू रख लेंगे हम 10 × 1.732, तो देखिए यहाँ पे इसको हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो कितने हो गए, 17.32 हो गए, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई H1 प्लस H2 कितनी हो गई, 20 + 17.32, तो कितनी हो गई, 37.32, यह है उस पेड़ की ऊंचाई। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, तो ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि समुद्र में एक लाइट हाउस है जो समुद्र के तल से 60 मीटर ऊपर है, ठीक है। यहां से देखने पर दो जहाज है जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं एक सरल रेखा में, जैसे एक बी और एक सी है, ठीक है। दोनों को देखने पर उनका जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो 30 और 45 है, ठीक है, 30 और 45 डिग्री है। हमारे को इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बी सी, ये एक्स, ये हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। हमारे को इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमारे को ज्ञात करनी है। देखिए
यहाँ पे देखिए ये जो ये एक ये जो रेखा है यहाँ पे देखिए ये आँख का क्षितिज है, ठीक है। तो इस आँख के क्षितिज से देखिए ये वाला कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। उसी प्रकार ये 45 डिग्री वाला ये 45 डिग्री भी बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी और डी। तो देखिए माना, सबसे पहले हम मानेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होगी दोनों जहाजों के बीच की दूरी x, जो हमने माना है अभी अभी, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए त्रिभुज ए बी डी में हम लगाएंगे tan थीटा, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है l अपॉन a, लंब अपॉन आधार। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बड़े त्रिभुज के लिए देखिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। वो यहां पे एल जो लंब है वो कितना है 60 है, और आधार इसका क्या है बी डी है, क्या है बी डी, आधार इसका बी डी है, ठीक है। जहां पे ये जो बी सी प्लस सी डी दोनों को मिला के ये बी डी है, ठीक है। यहां पे टेन 30 की वैल्यू देखिए, टेन 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 60 अपॉन बी डी, ऐसे आएगा। यहाँ से बी डी को इधर ले लेंगे ऊपर की तरफ, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 रूट 3। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए सी और डी, तो दूसरा त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी मतलब ये वाला 45 डिग्री वाला, ठीक है। इसमें भी टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री है, और टेन थीटा क्या होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या है 60 है और आधार क्या है सी डी है, ठीक है। अब देखिए टेन 45 कितना होता है 1 इक्वल टू 60 अपॉन सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है, 60 आ गई, ठीक है। अब देखिए जो बी डी है यहाँ से ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, तो समीकरण एक में देखिए जो बी डी है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी हो गया, ठीक है। बी डी क्या हुआ बी सी ये वाली भुजा और सी डी ये वाली भुजा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी प्लस सी डी बी डी की जगह लिख देंगे समीकरण एक में, ये रही, ठीक है, समीकरण एक ये है नीचे वाली, समीकरण एक में बी डी की जगह लिख देंगे बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 60 रूट 3। यहाँ पे देखिए बी सी तो ऐसे ही रहेगा, बी सी को हमने क्या माना है एक्स माना है, ठीक है। सी डी कितना आ गया 60 आ गया और ये 60 रूट 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 रूट 3 माइनस 60, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 कॉमन ले लेंगे रूट 3 माइनस 1। तो देखिए यहां पे देखिए 60 रूट 3 तो ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए रूट 3 की वैल्यू निकाल, x इक्वल टू कितना आ गया 60 इंटू रूट 3 क्या 1.732 माइनस 1, ठीक है। इसमें से तो 60 इंटू 1 घटा दें तो 0.732 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से, तो देखिए 1 तो ये आ गई x इक्वल टू कितनी आ गई 43.92 मीटर, ये उन दोनों के बीच की दूरी है।
अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है, एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, वो एक जगह पे खड़ा है, ठीक है। वहां से एक सामने क्या है, भवन है, उस भवन के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। फिर वो लड़का क्या करता है, कुछ दूरी तक चलता है, ठीक है। उसके बाद में वो देखता है तो उसके भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि वो लड़का कितनी दूर तक चल कर गया, ठीक है, हमारे को वो दूरी निकालनी है। यहाँ पर देखिए, मानी ये एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, इसकी आँख से ये जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ये कुछ दूरी तक चला, जो दूरी क्या है, BC है। वो यहाँ पे सी पॉइंट पे आने के बाद में इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमारे को ये जो दूरी है वो दूरी निकालनी है, BC ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़की की आँख से, किससे, आँख की जो स्थिति जो होती है ना, उससे, आँख की स्थिति से भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आँख की स्थिति से दी, लड़का 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, तो भवन की पूरी ऊंचाई जो 30 मीटर है उसमें से हम 1.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 28.5 आ जाएगी। ये ऊंचाई क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऊंचाई है AD, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, हम ये मान लेंगे लड़के ने जो दूरी तय की वो कितनी x दूरी गई है, ठीक है। तो माना जो लड़का है x दूरी चलकर गया, दूरी चलकर गया, ठीक है, और x दूरी चलने के बाद में जो उसका आंख का जो उन्नयन कोण वो 30 से कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD में, ABD में जो त्रिभुज ABD है उसमें देखिए हम सबसे पहले tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/A होता है, ठीक है, क्या होता है, L/A, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा कितना है इसमें, थीटा है 30 डिग्री, और L देखिए यहाँ पे लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा जो कितनी है, 28.5 है, कितनी है, 28.5, और A आधार क्या है, आधार है इस बड़े वाले त्रिभुज में BD, त्रिभुज हमने ABD लिया ना, तो इसमें आधार BD है। यहाँ पे BC है ना, जो BD है वो BD क्या है, BD इक्वल टू है BC प्लस CD, ठीक है। BC तो हमने क्या माना, x मान लिया, प्लस CD को हम CD रहने देते एक बार, ठीक है, तो ये क्या हो गया, BD हो गया, ठीक है, x प्लस CD, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस CD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है, इक्वल टू 28.5 और x प्लस CD। अब इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1। अब समीकरण 2 की तरफ चलते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये छोटा वाला लेंगे जहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ACD में देखिए, अब देखिए ACD में यहाँ पे देखिए कोण 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan 60 बनेगा, tan थीटा लगाएंगे वापस से, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, tan 60। tan थीटा की वैल्यू थी L/A, लंब अपॉन आधार, तो लंब देखिए वही 28.5 आएगा, 28.5 आएगा, ठीक है, और आधार A कितना आ जाएगा, CD आ जाएगा, ठीक है। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो इसको √3 मानेंगे हम, इक्वल टू 28.5 CD। यहाँ से इस CD को ऊपर ले लेंगे, तो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 √3, इसको हम देंगे समीकरण 2। ये क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे को CD की वैल्यू पता है, ठीक है, तो ये जो CD की वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख देंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 में CD का मान रखने पर, का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 तो ये है, ठीक है, इसमें CD का मान रखेंगे तो इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1/√3, तो ऐसे कैसे 28.5 भी ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, और x प्लस CD की जगह कितना आ जाएगा,
28.5 अपॉन रूट तीन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए एक बटा रूट तीन तो ऐसे ही रहेगा 28.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूट तीन एलसीएम आएगा। चलो मैं एक स्टेप करके बता देता हूँ, रूट तीन एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वन है तो रूट तीन एक्स हो जाएंगे प्लस यहाँ पे 28.5 हो जाएंगे। ठीक है, ये रूट तीन है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बनेगा, वन अपॉन रूट थ्री वैसे की वैसे रहेगा, 28.5 रूट तीन हो जाएगा, यहाँ पे रूट तीन एक्स प्लस 28.5। अब क्या करेंगे, ये जो रूट तीन एक्स है इसको इधर ले लेंगे, इस पूरी समीकरण को इधर ले लेंगे तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, रूट तीन एक्स इक्वल टू 28.5। ये रूट तीन उधर चला जाएगा तो 28.5 इंटू रूट तीन कितना होता है, तीन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके प्लस में ये भी है 28.5 भी है। ठीक है, अब रूट तीन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू तीन माइनस 28.5 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 इंटू तीन माइनस 28.5 अपॉन रूट तीन। ठीक है, अब देखिए 28.5 इंटू तीन कितना होगा, यहाँ पे देखिए 85.5 होगा। ठीक है, 85.5 हो गया, माइनस 28 हम माइनस कर देंगे अपॉन ये रूट तीन। तो देखिए यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 28 है। ठीक है, तो कितने आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 57 आ जाएंगे। ठीक है, 57 आ जाएंगे अपॉन रूट तीन आ जाएंगे, और ये क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे x नहीं आएगा, x बराबर में चल रहा है। ठीक है, तो देखें अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 इंटू तीन लिख सकते हैं और अपॉन में रूट तीन लिख सकते हैं। अब ये तीन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट तीन इंटू रूट तीन। ठीक है, तो रूट तीन से रूट तीन कैंसिल, तो जो x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू कितना आ रहा है, 19 रूट तीन। मतलब वो लड़का 19 रूट तीन दूरी तय करेगा। ठीक है, तो वो एक पॉइंट से 19 रूट तीन दूर जाएगा तो उसकी जो आँख का उन्नीस गुण वो कितना हो जाएगा, 30 से 60 हो जाएगा। तो यह है इसका आंसर। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि पानी के तल से एंच ऊंचाई पर, ये ऊंचाई कितनी होगी, एंच ऊंचाई, इस पे एक बिंदु है बी, इस बिंदु बी से एक बादल है ऊपर की तरफ जिसका उन्नयन कोण है वो अल्फा है। ठीक है, वो बादल इस बिंदु बी से एक्स ऊंचाई पर है ऐसे हमने माना है। ठीक है, ठीक है, और ये जो बादल है इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पानी के अंदर बन रहा है, तो इस बिंदु बी से इसके इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका जो अवनमन कोण है वो बीटा है। ठीक है, तो हमारे को इस पानी का तल जो क्या है, ये वाली जो है ना पानी का तल बिंदु डी से, ठीक है, तो पानी के तल की जो ऊंचाई है जो क्या होगी, एडी हो गई, वो कितनी है, एच कोष्टक टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पानी के तल से बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, उसमें एक तो ये भुजा जुड़ेगी एस सी और दूसरी क्या जुड़ेगी, सी डी, क्या जुड़ेगी, सी डी भुजा जुड़ेगी। ठीक है, तो सी डी तो क्या होगी, एच होगी और ये कितनी होगी, एक्स होगी, तो पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी होगी, एक्स प्लस एच होगी। ठीक है, और एक्स प्लस एच ही क्या है, ये जो लिखी हुई ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये ऊंचाई हमने x मान ली। ठीक है, ये ऊंचाई मैं क्वेश्चन में दे रखी है सी डी कि पानी का तल ये है तो इससे एच ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन में दे रखी है और ये हमने x मान ली। ठीक है, अब यहाँ पर भी एच है तो ये ऊंचाई एच कैसे आई, पानी की जो गहराई है वो एच कैसे आई और ये जो गहराई है वो x कैसे आई, ये कैसे आई। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, इस फोटो में देखिए आपको एक पेड़ दिख रहा है। ठीक है, और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जो पेड़ की ऊंचाई है और पानी में उसके प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है लगभग दोनों सेम है। क्यों है ऐसा,
क्योंकि पानी के अंदर हम किसी भी चीज़ की हम देखते हैं, पानी के पृष्ठ से देखते हैं, तो जितनी उसकी ऊंचाई होती है उतनी ही गहराई में उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए देखिए, अगर एच ऊंचाई यहाँ से है ना, तो पानी के अंदर ये ऊंचाई एच है, तो पानी के अंदर इसकी गहराई भी कितनी होगी, एच होगी, ठीक है। यहाँ से बिंदु बी से ये ऊंचाई एक्स है, तो पानी के अंदर इसकी गहराई भी कितनी होगी, एक्स होगी। तो इसलिए ये क्या, ये एच होगी और ये क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना बी बिंदु से एच ऊंचाई पर, एक्स ऊंचाई पर, बिंदु बी से बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एक्स है, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। वो एक्स होगी और ये एच होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, जहां पर कोण क्या बना हुआ है, अल्फा बना हुआ है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में यहां पर हम लिखाएंगे टेन थीटा। तो टेन तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, टेन अल्फा। टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब अपॉन आधार। तो देखिए लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा जो क्या है, एक्स है, ठीक है। अपॉन आधार क्या है, बी सी, आधार सेम है बी सी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। टेन, अब एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा, बी सी टेन अल्फा, ठीक है, ये हो गई समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे इसी के नीचे, जिसका नाम रहेगा ये बी सी एफ, बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला, ठीक है, त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ कौन सा वाला, बी सी और एफ, ये नीचे वाला, ठीक है, ये त्रिभुज। अब इसमें देखिए सी और एफ, जो सी एफ है, सी एफ कितना आएगा, सी एफ यहां पर निकाल रहा हूं, सी एफ इक्वल टू कितना आएगा, देखिए एच प्लस एच प्लस एक्स, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एच हो गई सी डी तो, ठीक है, और डी ई कितनी होगी, एच हो गई, और ई एफ कितनी होगी, एक्स हो गई, ठीक है। तो ये कितनी होगी, टू एच प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गई सी एफ। तो अब देखिए इसमें टेन थीटा लगाएंगे हम, तो टेन थीटा की जगह आ जाएगा बीटा, जाएगा टेन बीटा, ठीक है। और यहां पे देखिए थीटा ये है, तो इसके सामने भी लंब क्या होगी, ये होगी जो क्या है, सी एफ है। तो एल तो क्या आ जाएगा, टू एच प्लस एक्स अपॉन, ए क्या है, बी सी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए हम सबसे पहले बी सी की वैल्यू निकाल लें यहां से, तो ये जो टेन अल्फा है वो एक्स के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो टेन बीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको, दे देंगे समीकरण दो। तो समीकरण एक से बी सी का मान समीकरण दो में रख देंगे, में रखने पर, तो देखिए समीकरण एक से बी सी का मान जब समीकरण दो में रखेंगे, तो टेन बीटा है, तो टेन बीटा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, टेन बीटा में कोई चेंज नहीं होगा, टू एच प्लस एक्स ये भी ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए बी सी, देखिए बी सी यहाँ से टेन अल्फा अगर एक्स के डिवाइड में चला जाएगा तो बी सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टेन अल्फा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इसके डिवाइड में, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा टेन अल्फा। अब देखिए हमारे को निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये जो टेन अल्फा है ना, इसको हम इधर भेज देंगे टेन बीटा के नीचे, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एच अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स का एक्स में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, दोनों को अलग अलग करके मैंने डिवाइड दिया, ठीक है। अब ये जो वन है इसको भी इधर माइनस में भेज देंगे, तो फाइनल समीकरण ऐसे हो जाएगी, इसी को थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगी माइनस वन इक्वल टू टू एच अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इससे आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए तो एलसीएम लेंगे तो टू एच अपॉन एक्स को तो हम यूँ ही रखेंगे, यहाँ पे देखिए
एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पे वन मान ले तो एलसीएम आएगा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा ठीक है, यहाँ पे तो टेन बीटा है तो ऐसे कैसे आएगा, और वन है वन की जगह क्या आ जाएगा टेन अल्फा आ जाएगा, टेन अल्फा ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे x की हमारी वैल्यू निकालनी है ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जब हम इसको उल्टा कर दें पूरी समीकरण को, इसको हम समीकरण तीन नाम दें तो इसको हम उल्टा कर दें तो x ऊपर आ जाएगा ठीक है, और ये tan अल्फा भी ऊपर आ जाएगा और tan बीटा माइनस tan अल्फा नीचे आ जाएगा ठीक है, तो ऐसे बनेगी कुछ समीकरण x अपॉन 2h इक्वल टू tan अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा ठीक है, और ये 2h है ये इसको हम उधर भेज देंगे ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 2 tan अल्फा और h को हम पीछे लिख देंगे अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखिए x क्या है, x है बिंदु B से उस बादल की ऊंचाई, ये तो हमारे को पता चल गया बिंदु B से बादल की ऊंचाई, बट हमारे को याद करना है पानी के तल से, पानी का तल तो ये है, तो यहां से x की ऊंचाई क्या आएगी, x के अंदर हम h जोड़ देंगे, ये देखिए पानी के तल से बिंदु उस बादल की ऊंचाई क्या आएगी, x प्लस h होएगी ठीक है, तो इसमें हम h को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, ये 2 tan अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, h है ठीक है, यहां पे tan बीटा है माइनस tan अल्फा प्लस h। अब हम यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा ठीक है, और यहां पे 2 tan अल्फा और ये h, और यहां पे प्लस tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये नीचे वाला ऐसे की ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, h है यहां पे, अब दोनों में के अंदर h है तो h को हम बाहर ले लेंगे, तो h तो बाहर आ गया, अब क्या बचा अंदर, 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये बचा ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 tan अल्फा है तो एक tan अल्फा चला जाएगा उससे ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा, जो यहां पे दे रखा है h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये क्या होगी, पानी के तल से उस बिंदु की ऊंचाई होगी, यही हमारे को क्या सिद्ध करना था ठीक है, तो ये तो था एग्जाम्पल ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन भी था वो बताते हैं ठीक है, अब देखिए जो पानी के तल से उस बिंदु की जो ऊंचाई आई थी वो x जो हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी 2 tan अल्फा h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा ठीक है, हमारे को ज्ञात करनी है इस बिंदु B से इस पॉइंट से बादल की दूरी, तो ये दूरी क्या होगी, AB होगी, AB दूरी होगी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भुजा कौन से काम में आ रही है, एक तो AB काम में आ रही है, दूसरी हमारे को x की वैल्यू पता है ठीक है, तो AB और AC काम में आ रही है, तो यहाँ पे tan थीटा नहीं लगेगा, यहाँ पे sin थीटा लगेगा ठीक है, तो sin थीटा देखिए sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा भी लिख लेते हैं ठीक है, sin अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे देखिए x अपॉन h क्योंकि l अपॉन k आता है ठीक है, तो l तो x है, तो x की वैल्यू तो हम लिख देंगे 2, सबसे पहले x ही लिख लेते हैं, x अपॉन h क्या आएगा AB, हमारे को AB की वैल्यू ही निकालनी है उस बिंदु से बादल की दूरी ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे जो AB है इसको इधर ले जाएंगे, AB तो यहाँ पे आ जाएगा और x अपॉन क्या हो जाएगा sin अल्फा ठीक है, तो देखिए तो x में देखिए 2 tan अल्फा तो ऐसे हो जाएगा h, ऐसे हो जाएगा
ठीक है, और टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये तो एक्स की वैल्यू थी, और इसको साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो ये क्या आ गई, उस बिंदु से बादल की दूरी आ गई। जो क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि एक बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना 30 डिग्री है, ठीक है। उस वो जो बादल का जो प्रतिबिंब है उसका अवनमन कोण है, जो पानी के अंदर बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को पूरा इसी तरह से करना है, और सिर्फ जहाँ पे अल्फा है ना वहाँ पे आप 30 डिग्री रख दो, और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे 60 रख दो, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से होंगे, तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन में से बोल रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, उसकी लंबाई 12 मीटर है और वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हमारे को ज्ञात करना है कि वो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, ठीक है। तो हम ऐसे मानते कि माना वो पेड़ एक्स ऊंचाई से टूट गया, तो ठीक है, तो बची हुई जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 12 है, ठीक है। ऐसे मानिए ये जो मार्कर है इसको मैं यहाँ से तोड़ दूँ, ये 12 मीटर लंबा मार्कर है, ठीक है, तो यहाँ से तोड़ दूंगा, तो ये इसको मैंने एक्स माना, तो ये क्या होगा, 12 माइनस एक्स तो होगा, तो उसी प्रकार से ये होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी है, इसमें हम टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा, देखिए, तो देखिए टेन थीटा कैसे लगेगा इसमें, यहाँ पे सबसे पहले हम भुजा पहचानेंगे, ठीक है, टेन थीटा नहीं लगेगा, भुजा पहचानेंगे। भुजा देखिए, सबसे पहले ए बी आ रही है हमारे पास, और दूसरी क्या आ रही है, ए सी आ रही है, ठीक है। तो ये ए बी क्या है, ये तो कर्ण है, ठीक है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब अपन आधार होता है, तो वो कैसे लगेगा, इसमें लगेगा साइन थीटा लगेगा, इसमें साइन थीटा कर्ण अपन आधार होता है, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा लगाएंगे, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन के। अब यहाँ पे एल तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी है सबसे पहले 60, और ये होगी एक्स अपॉन के, करण क्या होगी 12 माइनस एक्स। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है रूट 3/2 इक्वल टू एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको इधर से और इसको इधर से वज्र गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, रूट तीन तो ऐसे 12 रूट तीन हो जाएगा, रूट तीन 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो, ठीक है, माइनस रूट तीन एक्स हो जाएगा। अब ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, ठीक है। तो इसको उधर भेज देंगे, तो 12 रूट तीन तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो गया 2x माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर से आएगा, तो और रूट तीन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो x है इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 12 रूट तीन तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस रूट तीन बच जाएगा, ठीक है। अब ये 2 प्लस रूट तीन बचा है ना, इसको हम इसके डिवाइड में दे देंगे, तो 12 रूट तीन तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और अपॉन में 2 प्लस रूट तीन आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है। परिमेयीकरण का मतलब होता है जो नीचे वाला जो ट्रम होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे, नीचे वाला है 2 प्लस रूट तीन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 माइनस रूट तीन कर देंगे, ठीक है, इसका चिन्ह चेंज कर दिया, और इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे गुणा करने पर, ठीक है। देखिए इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 12 रूट तीन तो ऐसे ही रहेगा, और 2 माइनस रूट तीन और आ गया इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 प्लस रूट तीन तो था नीचे पहले से मौजूद, और 2 माइनस रूट तीन हमने लिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो 12 रूट तीन ये क्या आ गया, 2 माइनस रूट तीन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 हो गया, माइनस रूट तीन का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 बच गया, अब टर्म बची वो वाली 12 रूट तीन इंटू 2 माइनस रूट तीन,
ठीक है। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 को एक बार 12 रूट तीन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 24 रूट तीन हो जाएगा, माइनस 12 रूट तीन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 रूट तीन है, यहाँ पे रूट तीन से रूट तीन मल्टीप्लाई तीन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 24 रूट तीन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 रूट तीन इंटू, तो 12 इंटू तीन ही कर देंगे इसको डायरेक्ट, ठीक है, तो ये 36 हो गया। तो 24 इंटू रूट तीन की वैल्यू 1.732 ये रख लेंगे, ठीक है, ये 36 हो गया। ठीक है, तो 24 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, ठीक है, तो ये आ गया 41.7 माइनस क्या कर देंगे हम 36, तो ये आ गया 5.7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, यानी वो जो पेड़ है वो 5.7 मीटर ऊपर से टूटा है। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे बोला कि एक कार है, ठीक है, जो यहाँ पे बिंदु बी पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, एक आदमी है जो मीनार के ऊपर बिंदु ए पे खड़ा है, ठीक है, तो वहाँ से वो उस कार को देखता है तो जो उसका अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और 6 सेकंड के पश्चात वो उस कार को देखता है तो अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वो कार कितने समय के अंदर यहाँ पर इस मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है, तो हमारे को ये समय निकालना है BC का, T समय, ठीक है, ये निकालना है हमारे को। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें देखिए यहाँ पे ये जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए जो दूरी होती है, ठीक है, ऐसे मान लेंगे सबसे पहले हम माना वो कार n सेकंड के बाद मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि हमने ये माना कि वो कार n सेकंड के बाद में इस मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, ऐसे मान लिया, सेकंड टाइम कितना हो गया n सेकंड मान लिया हमने। ठीक है, 6 सेकंड में तो वो कहाँ से आई, वो B से D तक आ गई 6 सेकंड में। ठीक है, वो कहाँ से आ गई, B से D तक 6 सेकंड में आ गई, और उसके बाद में वो n सेकंड के अंदर वो मीनार के आगे से निकल जाएगी। ठीक है, तो n सेकंड वाला जो समय होगा वो पूरा समय ये होगा। ठीक है, यहाँ से ये n सेकंड हो गई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले B से D की दूरी निकालेंगे, सबसे पहले हम BD दूरी, तो दूरी कैसे निकलेगी, दूरी का एक फॉर्मूला होता है जो होता है दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। ठीक है, और ऐसे मान लेंगे कि वो जो कार है वो कोई भी एक मात्रक ले लेंगे, जैसे A ले लेंगे, तो वो कार ए मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, ऐसे मान लें कि माना कार ए मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, तो बी डी जो दूरी है वो हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहां के बीच में जो टाइम लगा वो 6 सेकंड है। ठीक है, और चाल कितनी है इसकी ए मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ से दूरी निकालेंगे BD इक्वल टू, चाल तो कितनी है A इंटू समय 6, तो ये कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा, ये आ गया BD का मान। ठीक है, अब निकालेंगे DE की वैल्यू निकालेंगे, तो DE कितनी आएगी वो देखिए, DE वही चाल इंटू समय से देखिए, तो चाल तो हमने कितनी मानी A जो पिक्स है, ठीक है, और समय कितना है N है, समय कितना है इसमें n है, तो ये कितना हो जाएगा an हो जाएगा। ठीक है, तो ये de की वैल्यू आ गई। अब हमारे को सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज a b और c में कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पे ये मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई इस क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये ऊंचाई इस क्वेश्चन में नहीं दे रहे कि तो हम मान लेंगे, माना जो उस मीनार की ऊंचाई वो कितनी है, एच है की ऊंचाई, इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, ठीक है। अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा की जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और थीटा क्या होता है एल अपॉन ए, तो एल देखिए सबसे पहले एच है और ए क्या आएगा बी सी आएगा, तो बी सी क्या आएगा बी डी प्लस सी डी आएगा, तो बी डी तो देख यहाँ पे हमने ये निकाला और सी डी हमने क्या निकाला, ये निकाल लिया ए एन, ठीक है। तो बी डी कितना हो गया, बी डी प्लस सी डी कितना हो गया ए इंटू सिक्स प्लस ए इंटू एन, यही तो होगा भाई, बी डी तो ये है और डी ई ये है, ठीक है, सी डी जिसको बोले, तो यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स प्लस एन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया बी डी बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी इक्वल टू कितना गया ये आ गया, तो इसको लिखेंगे ए और कोष्टक इंटू सिक्स प्लस एन, ये तो हो गई यहाँ पे टेन तीस की वैल्यू आई एक बटे रूट तीन एन और ए और सिक्स प्लस एन, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे जो ये है एच है, ठीक है, ऊंचाई एच, तो यहाँ से ये जो एन है इसको इधर और इस एच को उधर ले जाएंगे, ठीक है, या फिर इसको यहीं पे समीकरण एक नाम दे देंगे। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, जो है ए डी सी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे तो टेन की वैल्यू कितनी है 60 है और एल क्या आ जाएगा वही एच रहेगी ऊंचाई, ठीक है, और ए क्या आएगा डी सी आएगा, तो डी सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे ए इंटू एन है, ठीक है, तो ये ए इंटू एन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कैसे। अब यहाँ से देखिए टेन 60 की वैल्यू रूट तीन होती है इक्वल टू एच और ये ए इंटू एन, तो एच की हमने वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा रूट तीन इंटू ए इंटू एन, ये आएगी एच की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आप सबसे पहले तो इस वैल्यू को देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एच की जो वैल्यू है इसको हम समीकरण एक नाम दे देंगे, एच की वैल्यू एक तो दे रखी हमने, समीकरण दो नाम दे देंगे सॉरी, तो समीकरण दो से एच का मान समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है, तो एक बटे रूट तीन तो ऐसे ही रहेगा, वहाँ पे एक एच की वैल्यू कितनी है रूट तीन, यहाँ पे क्या है ए इंटू एन है, ठीक है, और यहाँ पे ए और सिक्स प्लस एन है, ऐसा है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे रूट तीन है उसको उधर भेज देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा ए सिक्स प्लस एन इक्वल टू रूट तीन, तीन हो जाएगा ये थ्री ए तीन ए इंटू ये कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है, एन सेकेंड है ना, एन हो गया। अब यहाँ पे ए इंटू सिक्स प्लस एन है और तो इसको हम ऐसे कर लेंगे सिक्स से हो गया प्लस ये ए एन हो गया इक्वल टू ये क्या हो गया थ्री ए एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस एन को उधर ले लेंगे तो सिक्स ए तो ऐसे कैसे रहेगा और यहाँ पे थ्री ए एन है उसमें से एक ए एन माइनस हो जाएगा, तो सिक्स ए तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे कितने रहेंगे टू ए एन हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारे को निकालनी है तो सिक्स ए अपॉन टू ए हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन इक्वल टू तीन हो जाएगा, ठीक है, तो कितने तीन सेकेंड के बाद में वो कार क्या उस मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, तो ये है इसके आंसर। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन बताए, साथ ही जो क्वेश्चन बोर्ड 2021 में आ सकते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ में बताए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए।